आज हम लोग लेक्चर नंबर 1 प्रिपरेशंस ऑफ एसिड और ये किससे पढ़ेंगे, ऑक्सीडेशंस करेंगे एल्कोहल का, एल्डिहाइड का और कीटोन्स का। करेक्ट। देखो इसके मोस्टली पार्ट आप ऑलरेडी एल्कोहल और एल्डिहाइड में पढ़ चुके हो। ठीक है, तो चलो बच्चे समझो कि तुम्हारे लिए एक रिवीजन हो रहा है। ठीक है, देखो कार्बोक्सिलिक एसिड में जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, अब देखो जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ये कौन कौन सा आइसोमर शो करता है, ये एक चेन आइसोमर शो कर सकता है। कैसे, देखो जैसे मैं लिखता हूँ CH2CO2, CH2CO2, है ना, तो ये हो गया बिटोनोइक एसिड, बिटोनोइक एसिड। साथ साथ इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं CH3CH CH3COH, मतलब 1 2 3 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड, ऐसे कर सकते हैं ना। देखो चेन आइसोमर्स शो करेगा। सेकेंड कौन सा है, फंक्शनल आइसोमर्स करेगा, फंक्शनल आइसोमर। वो कैसे, ये देखो ऐसे मैं लिखता हूं CH OH CH2 CHO, दूसरा लिखता हूं CH OH C डबल बॉन्ड OCH3, है ना। तो क्या हो गया, ये इसको लिख सकते हैं 1 2 3 3 हाइड्रोक्सी प्रोपेनल, 3 हाइड्रोक्सी प्रोपेनल, और ये देखो 1 2 3 3 हाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सी प्रोपेन 2 ऑन, ऐसा कह सकते हैं ना। क्लियर है, 3 हाइड्रोक्सी प्रोपेनल और क्या है, 3 हाइड्रोक्सी प्रोपेन 2 ऑन। तो ये एक फंक्शनल आइसोमर्स और ये एक चेन आइसोमर्स शो करता है। डन। अब देखो ऑक्सीडेशन ऑफ, फर्स्ट हम लोग किसे पढ़ेंगे, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ये है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। अब स्टूडेंट देखो ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल में कौन सा एल्कोहल लेंगे, हम लेंगे प्राइमरी एल्कोहल, प्राइमरी एल्कोहल, क्योंकि सेकेंडरी एल्कोहल स्टूडेंट्स कीटोन बना देगा। तो प्राइमरी एल्कोहल को कैसे, अब देखो प्राइमरी एल्कोहल लिया, अब इससे बनाना क्या है, एसिड बनाना है। ठीक है, तो इसके लिए किस रिएजेंट का यूज करेंगे स्टूडेंट, हम लोग यूज करेंगे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और हमने एल्कोहल एल्डिहाइड में पढ़ाया होता कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन सा होता है, KMnO4H+, K2Cr27H+, या फिर Cr3H2। ये लेके एल्कोहल से क्या बन जाएगा, एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये देख लो CH3 है, CH2 है, OH है, और यदि मैं लेता हूँ KMnO4H+ के साथ, तो कंपाउंड क्या बन जाएगा, CH3COOH बन जाएगा, बनेगा, तो ये कंपाउंड बन जाएगा। क्लियर है। अब देखो सेकेंड है किससे बनाना है, एल्डिहाइड। अब देखो एल्डिहाइड से कैसे प्रिपेयर होगा, तो यदि मैं एल्डिहाइड लेता हूँ तो एल्डिहाइड से स्टूडेंट्स एसिड बनाने के लिए हम यूज करेंगे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसका माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तुम चाहो तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी यूज कर सकते हो। ठीक है, माइल्ड में बहुत सारे होते हैं, टॉलेंस है ना, फेलिंग सॉल्यूशंस है, उसके बाद तुम्हारा जोन्स रिएजेंट्स है, फिर और भी सारा है। ठीक है, फिर PCC का भी यूज कर सकते हैं हम लोग, उसके बाद इन सारे जो भी माइल्ड है उसका माइल्ड का यूज करेंगे। ठीक है, माइल्ड का काम ही होता है वो एक ऑक्सीजन सप्लाई करेगा हार्डली। अब देखो इसमें क्या करेगा, तो ये कंपाउंड डायरेक्टली हम लेंगे, इसमें से कोई भी रिएजेंट ले लो, चाहे टॉलेंस रिएजेंट ले लो या फिर फेलिंग सॉल्यूशन ले लो, ये डायरेक्टली कन्वर्ट कर देगा एल्डिहाइड से एसी। चलो अब यहाँ पे बात आती है कीटोन की। अब देखो स्टूडेंट कीटोन का ऑक्सीडेशन जो होता है ना वो कैसे पॉसिबल है, अब देखो कीटोन बहुत सारे टाइप्स के हो सकते हैं, मैं बात कर रहा हूँ मिथाइल कीटोन, जो भी मिथाइल कीटोन रहेगा, ये देखो ये तुम्हारा मिथाइल और यहाँ पे कीटोन कोई भी ग्रुप है। तो यदि मिथाइल कीटोन लेता हूँ स्टूडेंट्स, मिथाइल कीटोन
या फिर आप सेकेंडरी अल्कोहल, या फिर मैं बोल रहा हूँ सेकेंडरी अल्कोहल, कोई भी दोनों से एक भी, मैं मिथाइल कीटोन के बारे में बात करूंगा कि मिथाइल सेकेंडरी अल्कोहल तो कीटोन बनाएगा, ऑक्सीडेशन कराओगे तो जो मिथाइल कीटोन्स है, अब मिथाइल कीटोन्स क्या करेगा, मिथाइल कीटोन्स कार्बोक्सिलिक एसिड तो फॉर्म करेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म करेगा विद लेजर नंबर ऑफ कार्बन, क्या विद लेजर नंबर ऑफ कार्बन एटम के साथ, समझ में आ रही बात, तो लेजर नंबर ऑफ कार्बन एटम के साथ ये क्या फॉर्म करेगा, एसिड फॉर्म करेगा। अब ये देखो आर सी डबल बॉन्ड ओ आर डैश लिया है, अब या फिर इसी कंपाउंड को ले लो, जब इसको मैं ये MnO4 से करेंगे या फिर Ca2 CR27 से करेंगे या फिर जोन्स रिएजेंट से करेंगे, स्टूडेंट पता है ये ऑक्सीडाइज डायरेक्टली सेम नंबर ऑफ कंपाउंड नहीं प्रोड्यूस करेगा, ये सेम नंबर ऑफ कंपाउंड नहीं देगा, नहीं ऑक्सीडेशन होगा सेम नंबर ऑफ कार्बन के साथ, बट ये लेसर नंबर ऑफ कार्बन प्रोड्यूस करेगा। अब कैसे, ये देखो CH3 सी डबल बॉन्ड हो, ऊपर मैं कंपाउंड लिया हूँ CH2 CH, अब मैं क्या करता हूँ स्टूडेंट, यहाँ ले लेता हूँ Ca2 CR2O7, ठीक है, तो इससे क्या होगा, देखो ये जो कार्बन है स्मॉलेस्ट कार्बन से है, और ये इसको मैं 0 डिग्री बोल दूँ, ये कार्बन 2 से है, ये कार्बन जो है 2 कार्बन से कनेक्ट है, ठीक है, तो अब यहाँ पे अब ये देखो क्या होगा, या फिर ये समझ लो कि ये कार्बन इस कार्बन से कनेक्ट है, तो फिलहाल के लिए मैं इसको 1 डिग्री कर लेता हूँ, और अब देखो जो सबसे कम कार्बन सबसे कम डिग्री वाले होंगे, एसिडिक एसिड वाले ग्रुप सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं, ये पॉपअप रूल का लॉजिक है, तो इसमें क्या होगा कि ये जो कंपाउंड होगा CH3COOH, ठीक है, और प्लस यहाँ पे अब इसके साथ भी एसिड तो बन जाएगा, ये होगा CH3COOH, ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई, तो इसके साथ जो ग्रुप है तो ये बन जाएगा आपका मेजर कंपाउंड, क्लियर है। चलो एक और लेते हैं, अभी देखो अब क्या लेते हैं, ये ले लो CH3 C डबल बॉन्ड, ठीक है, C और यहाँ पे CH3 H और यहाँ पे CH3, अब देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ K2 CR2O7 लेता हूँ, देखो तो होगा क्या, ये कार्बन जो है इसके साथ जो कंपाउंड होगा वो मेजर होगा, मोर स्टेबल होगा, क्लियर है। तो अब यहाँ पे क्या हो सकता है स्ट्रेंड्स, देखो अब यहाँ पे ये भी ब्रेक कर सकता है, यहाँ से भी ब्रेक हो सकता है ना, यानी इसका जो एसिड बन सकता है वो इस तरह से बन सकता है, मैं ये जो लिखा हूँ वो किस कार्बन के लिए, CH3, तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, देखो इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, ये कार्बन वाले इसको लिख देता हूँ CH3, और यहाँ से ब्रेक कर रहा है तो CH3COH हो गया, यदि यहाँ से ब्रेक होगा ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, ये भी बन जाएगा CH3COH, और यहाँ से ब्रेक हो सकता है तो मतलब, और ये बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, देख रहे हो, यानी क्या पढ़े हो कीटोन्स में, जब ऑक्सीडेशन करते हैं तो फ्रैक्चर ऑफ कंपाउंड ऑप्टेन हो जाता है प्लस वाटर, ठीक है, तो एक फ्रैक्चर ऑफ कंपाउंड कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, और फ्रैक्चर ऑफ कंपाउंड यहाँ से टूट जाएगा, यहाँ से भी टूट सकता है, यहाँ भी टूट सकता है ना, तो इस तरह से कंपाउंड बन सकते हैं, राइट। अब देखो अब यहाँ पे अब पॉइंट ये आता है कि यदि हम कीटोन को मिथाइल कीटोन को एक और प्रोसेस से ऑक्सीडेशन कर सकते हैं, वो कैसे, देखो यदि आपके पास मिथाइल कीटोन है, अब यहाँ पे कोई भी ग्रुप अटैच हो XYZ कुछ भी है ना, जैसे मैं ले लेता हूँ CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, तो क्या इसको आयोडो फॉर्म से भी तो कर सकते हैं, हेलो फॉर्म रिएक्शन से, तो ये जो होगा ये एसिड में कैसे कन्वर्ट होगा, ये कन्वर्ट होगा बाय हेलो फॉर्म रिएक्शन से भी कंप्लीट हो सकता है। अब कैसे, जैसे मैं लिखता हूँ R C डबल बॉन्ड O CH3 है, ठीक है, अब यहाँ पे X2 और सोडियम हाइड्रोक्साइड सेकेंड है वाटर ले लेंगे हम, तो यहाँ से ये कार्बन जो है ये कार्बन किस में कन्वर्ट होगा, R C डबल बॉन्ड O F, इसका मैकेनिज्म हमने एसिड एल्डिहाइड वाले पोर्शन में बिल्कुल डिटेल में बता रखा है, ठीक है, देखो तो इस तरह से क्या ऑप्टेंड किया, कीटोन से लेस नंबर ऑफ कार्बन के साथ एसिड बन गया, ठीक है ना, तो कीटोन को जब भी ऑक्सीडेशन करेंगे तो वो लेस नंबर ऑफ कार्बन के साथ एसिड मोर स्टेबल होगा, ठीक है, तो आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा ये सारा लेक्चर सारा लॉजिक, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, टेक केयर योर सेल्फ।